जिला सचिवालय में हो जाती है चोरी, लेकिन एक महीना होने को है, चोरों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। क्या यहाँ के कर्मचारियों से, अधिकारियों से क्या सख्ती से पूछताछ नहीं हुई? लगता तो यही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी ना किसी की मिलीभगत जरूर इस मामले में थी। खुद करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने यह बात मानी थी, क्योंकि जहां कुछ तालों को तोड़ा गया था वहीं चाबियों का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 2 मार्च को हुई चोरी और आज 22 तारीख हो चुकी है, अभी तक चोरों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एक सुधार जरूर हुआ है, अच्छी क्वालिटी के कैमरा लगा दिए गए थे, ताकि दोबारा से चोर अगर यहां पर आए तो कम से कम उनकी वीडियो जरूर जो है कैमरे में कैद हो जाए। उस समय यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं था। चोरी हो जाती है, चोरी होने के तकरीबन एक महीना होने को है, लेकिन चोर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। शुरुआती तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ से चोर दाखिल होते हैं, इसको तोड़ा जाता है, अंदर जो है तिजोरी थी, जहां से जो है तकरीबन 25 लाख रुपए बताया गया था चोरी हो गया था, बाद में 16 लाख रुपए निकला था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कर्मचारी अधिकारी की किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट जरूर इस मामले में हो सकती है, अगर प्रशासन सख्ती से पूछताछ करता, CIA टीमें अगर रिमांड लेती तो अब तक चोर पकड़े जाते। ऐसा कैसे हो गया कि जिला सचिवालय जहां पर खुद SPDC बैठते हैं वहां पर चोरी हो जाती है, लाखों रुपए की चोरी हो जाती है, अभी तक चोर पकड़ से बाहर हैं। मामला दर्ज कर दिया गया था, लेकिन अगर इस मामले में सख्ती से पूछताछ की जाती तो शायद कुछ ना कुछ क्ल्यू जरूर लगता। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, कई टीमों ने पूछताछ जरूर की है, लेकिन रिमांड हुआ या नहीं हुआ ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मचारियों की या किसी पूर्व कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाबियों का भी इस्तेमाल हुआ था। चाबियां आखिरकार कहां से आई थी ये आप देख सकते हैं, उसी सरल केंद्र ई-दिशा केंद्र जिला सचिवालय में हम मौजूद हैं, जहां पर ऊपर SP साहब बैठते हैं, DC साहब बैठते हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, और वहां पर आप समझ सकते हैं कि 25 लाख रुपए की चोरी हो जाना कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। लेकिन चोरों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, कहां पर है चोर ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उस चोरी की घटना के बाद CCTV कैमरा सेटअप यहां पर अच्छे तरीके का लगा दिया जाता है। लोग भी हैरान है कि आखिरकार जिला सचिवालय में हुई चोरी के चोर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इसी सचिवालय में तमाम अधिकारी बैठते हैं, महीना होने को है, अभी तक चोर नहीं पकड़े गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप बधाई के पात्र हैं कि आप इस शहर के जितने भी मुद्दे हैं जो जनता से सरोकार रखते हैं आप उनको प्रमुखता से उठाते हैं और हर जगह मौजूद रहते हैं, समय पर मौजूद रहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और उसकी पूरी डिटेल बताते हैं आप। सवाल ये है कि जो बिल्डिंग है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है हमारा, जिला कार्यालय है, यहाँ पे उपायुक्त भी बैठते हैं, SSP भी बैठते हैं, यहाँ पे टोटल वायरलेस सिस्टम लगे हुए हैं, बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे सर्वेलेंस है 24 घंटे का, और पुलिस की मात्रा रात को भी 50-60 पुलिस वाले यहाँ होते ही हैं, 12-1 बजे तक इनका आवागमन भी रहता है। इतने सेफ एटमॉस्फेयर में गवर्नमेंट के कार्यालय से सेफ से 25 लाख रुपए उड़ा लिए गए, क्या इनके किसी की इन्होंने अकाउंटेबिलिटी फिक्स की, किसी को अरेस्ट किया? क्या ये क्या कारण है कि 25 लाख की चोरी में ये बंदे को पकड़ नहीं सकते? पुलिस आए तो 25 रुपए के चोर को ही पकड़ लेती है। ये इनकी जो इनके गवर्नेंस पे मेरा कमेंट है, बैड गवर्नेंस का इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़े हैं, 2 बार जीते हैं, उनको ये इनको सख्ती से नहीं कह सकते कि SP साहब आप क्या कर रहे हो, और अगर पुलिस ठीक काम कर रही है तो आप बयान दे दो ठीक काम कर रही है। साहब तो बढ़िया अफसर है, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। सब पकड़ना किसने है? SP साहब जिला के प्रमुख है पुलिस के, तो उनके नेतृत्व में ही होना है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है, अभी हिसार में मैं उनको मिला था 2 साल पहले, तो कातिल को इन्होंने 2 दिन में पकड़ लिया था और मुझे फोन किया कि हाँ हमने पकड़ा है। सवाल ये है कि चोरी इनसाइडर ने किया ऐसा लगता है, बाहर का व्यक्ति सेक्रेटरीएट में जाके चोरी कर लेगा, ये हजम नहीं होती बात। बिल्कुल, हम भी यही बात कह रहे हैं कि अंदर का कर्मचारी अधिकारी कोई ना कोई शामिल जरूर होगा, क्या उनसे सख्ती से पूछताछ नहीं हुई? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिला सचिवालय में 25 लाख की चोरी हुई थी, महीना होने को है, चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। खुद आप चोर है, पढ़ना किसको है? अरे मेरे घर से चोरी हो जाएगी बिना नहीं, इतनी पूरी फौज बैठी है, कैमरे लगे हुए हैं, सबको लगे है, वो 25 लाख कहाँ गया? आप पर बांट लिए इन्होंने, बस यही बात है। क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, बड़ा सोचने का विषय है ये तो। अगर जो मान लो मतलब कोतवाल के घर चोरी हो जाएगी तो फिर भरोसा किसके बैठेगी जनता? अगर जो यहीं से मान लो SP साहब को ऑफिस है, DC साहब को ऑफिस है, यहीं से चोरी होने, मतलब चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और चोर भी ज़्यादा बना दिए। अभी देखो बेरोजगारी हो रही, कहाँ जाएंगे लोग? रोजगार दो सरकार मिलकर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, और कोई हैरान है कि आखिरकार चोर क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। 25 लाख रुपए की चोरी जिला सचिवालय में हो जाती है, लेकिन चोरों का अभी तक कुछ अता पता नहीं है।